ओके चलो लेट्स स्टार्ट। चलो ये कर्व देख के आपको कुछ फील आ रही है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया? जैसे लास्ट ईयर हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव में व्हाट वी हैव सीन, ट्रांसवर्स वेव एक स्ट्रिंग होती थी एंड ऐसे एक वेव प्रोपगेट करता था, राइट? रिमेम्बर ना, यहाँ पे दो वेव्स आपको नजर आ रही है, राइट? तो वो क्या है एक्चुअली? तो एक्चुअली दो आर वैल्यू, जैसे ये यहाँ पर लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था, ये कर्व में ये क्या रिप्रेजेंट करता था? व्हाट इज द शेप? व्हाट डज दिस कर्व रिप्रेजेंट? इज अ साइन कर्व, ये क्या रिप्रेजेंट करता था? पोजीशन, सॉरी पोजीशन किसकी? इन पार्टिकल्स की इस इंस्टेंट, नेक्स्ट इंस्टेंट यही वेव में क्या हो जाता था? ऐसा हो जाता था, राइट? दिस ऑल्सो आई बिलीव आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे यहां पे इसकी वैल्यू ई एम है, मैक्स वैल्यू, नेक्स्ट इंस्टेंट ऐसे वैल्यू नहीं होगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व, ये क्या बता रहा है? इस इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, इस इंस्टेंट वैल्यू इतनी, इस इंस्टेंट वैल्यू इतनी, इस इंस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू इतनी है। तो ये जो कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट, एट दीस पॉइंट्स, राइट? थोड़ी देर के बाद यही कर्व थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये ऐसा कुछ नजर आएगा। वो क्या हो रहा है? वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इतना था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, राइट? यस, आ रहा है सबको समझ में? तो ऐसा कुछ लगेगा आपको नेक्स्ट सेशन, जैसे कर्व थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली कर्व शिफ्टेड सा दिखाई देगा आपको। ये साइन कर्व जो है ना, दिस कर्व विल बी शिफ्टेड, राइट? बट एक्चुअली वो शिफ्ट क्या है, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई। ओके, अरे बच्चन में, यस सर। ना वेव कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट एक वर्ड होता है एंड वेव नॉर्मल, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट हियर, बट ये आगे आपको काम आने वाला है। जैसे आपको याद होगा वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल क्या है, जैसे आई विल से दिस इज अ वेव फ्रंट, दिस इज अ वेव फ्रंट, दिस इज अनदर वेव फ्रंट, दिस इज अनदर वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। सी, अभी यू ऑब्जर्व वेव्स इन सी, राइट? तो जो आपको आते हुए सी में दिख रहा है वो क्या है, जिसको आप वेव बोलते हो, वो क्या है? इज इट अ वेव? नो, दैट इज नॉट अ वेव, दैट इज वेव फ्रंट। सी, जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारे थ्रेड्स को ज्वाइन कर दो, बहुत सारे थ्रेड्स को ज्वाइन कर दो, एंड ऑल ऑफ देम आर इन टेंशन, राइट? नाउ इफ यू पुल दिस थ्रेड एट दिस पॉइंट एंड गिव इट अ जर्क, द वेव विल स्टार्ट प्रोपगेटिंग इन ऑल द थ्रेड्स। इसमें भी एक वेव चलने लगेगी, इसमें भी एक वेव चलने लगेगी, राइट? ऐसी एक वेव इसमें चलेगी, ऐसी एक वेव इसमें चलेगी, चलेगी ना? हेलो, थोड़ा सा ओरिएंटेशन गलत हो गया यहाँ पे, लेट इट बी, राइट? तो हर जगह पे हम जैसा कि चलने, तो ये जो हम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज वेव फ्रंट। इंडिविजुअली एक स्ट्रिंग पे एक वेव जा रही है, इंडिविजुअली there is one wave in a one in one string, but if you see it from the top, ek koi surface bada hota hua nazar aayega aapko, ek koi aisa surface bada hota nazar aayega, wahi jo surface hai, that is known as wave front. Are baat samajh mein? Ha sir, baaki log bhi respond kar do. Ha sir, ha sir. So, वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है? वेव फ्रंट इज, अभी एक, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेव दिखाई, मतलब इमेजिन दैट एक स्ट्रिंग की वेव दिखाई, ऐसा नहीं है कि एक ही वेव चलेगी ना, जैसे बल्ब है, सोर्स है, वहां से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, राइट? तो हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ
wave front is locus of all the points where waves arrive simultaneously. Waves arrive simultaneously. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की वेव फ्रंट होती है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट दिखाया, ये प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट कर रहा है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यही वेव फ्रंट ऐसा प्रोपोगेट करता बड़े होते जाता है, राइट. या अगर कंटिन्यूस वेव्स होती हैं तो और एक वेव फ्रंट होती है, और एक वेव फ्रंट होती. तो दीज वेव्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स एंड वेव नॉर्मल्स, राइट. तो ये यहाँ पे मैंने वेव फ्रंट दिखाई, ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरी ये प्रोपोगेट कर रहा है. सो वेव फ्रंट क्या होता है? Wave front is locus of all the points where waves arrive simultaneously. ठीक है, आ रही बात समझ में? वेव फ्रंट में सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, आइसोट्रॉपिक होगा. तो अगर सेम होगा तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट every point on a wave front will be same provided medium har jagah ek jaisa hi ho. medium should provided medium is isotropic, matlab is similar in all directions. aisa nahi ki yahan pe electrical property badal jaye to fir value change ho jayegi. ha, but one thing is that phase hamesha same rahega. समझा? तो अगर आइसोट्रॉपिक हो भी गया बट फेज विल ऑलवेज बी सेम. मतलब अगर यहाँ पे मैक्स है तो एक वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट पे मैक्स होगा. जैसे इस पॉइंट पे अपना मिनिमम मिनिमम वैल्यू होता है, यहाँ पे भी मिनिमम, यहाँ पे भी मिनिमम, हर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू रहेगा. इफ एट वन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम देन एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक एट एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सो विल बी सेम ऑल्सो electric field at every point on a wave front is in phase. on a wave front is in clear hai aage bachan mein ha. ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, इनको वेव नॉर्मल बोलते हैं. दीज आर नोन एज वेव नॉर्मल. सो वेव नॉर्मल क्या है? वेव नॉर्मल बेसिकली रिप्रेजेंट्स पाथ इन विच अ वेव ट्रेवल्स. इस रास्ते में एक वेव जा रही है, राइट. तो वेव नॉर्मल रिप्रेजेंट्स पाथ इन विच वेव ट्रेवल्स. It's always normal. Yes, normal to wave front. Hence is the name wave normal. Clear? Hello. Now, यहाँ पे wavelength define करने की कोशिश करेंगे. Wavelength, wave number and frequency define करने की कोशिश करेंगे. So, what is wavelength? ये देखो क्या है, ये एक स्नैपशॉट है वेव का. थोड़ी देर में ये वेव आगे प्रोपोगेट कर जाती, राइट. तो यहां से जो क्वेश्चन है, कहां से वेव लेंथ क्या वेव लेंथ, यहां ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज वेव लेंथ, राइट. हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस? विल डिस्क्राइब दिस एज पॉइंट्स व्हिच डिफर इन फेज बाय 2π रेडियंस. मैं फेस फेस बार बार यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको फेस वर्ड की जरूरत पड़ेगी. तो फेस क्या है? अगर आपको याद हो लास्ट ईयर हमने देखा था, किसी पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ये फेस जीरो है. ये 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720 ऐसे चलता जाता है, राइट. 90, 180, 270, 360, 450, 540 ऐसे फेज इंक्रीज होता जाता है. तो
ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में क्या फर्क है, ये पार्टिकल इससे एक ऑसिलेशन एक्स्ट्रा करके बैठा, राइट। जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहां पर, तो ये पार्टिकल ऑलरेडी एक ऑसिलेशन ज्यादा करके बैठा, राइट। हाँ, दिस पार्टिकल हैज ऑलरेडी मेड वन एक्स्ट्रा ऑसिलेशन देन दिस वन। तो एक ऑसिलेशन में कितना फेज चेंज हुआ होगा, 2π। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा, राइट। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज डिस्टेंस between any two points which differ in phase by 2π radians, right? हेलो, तो ये एक वेवलेंथ हो गया, ये एक वेवलेंथ हो गया, दिस इज अ वेवलेंथ, राइट। ओके, नाउ वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर ये विल बी वन, वही पुरानी कहानी, वेव नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर unit length, number of waves per unit length. So lambda is the distance in which we have one wave. So lambda distance mein one wave. So one by lambda mein this number of waves per unit length. So nu bar. So nu bar se denote karte hain is one by lambda. Right? Frequency kya hoga? Time period kya hoga? Frequency kya aayega? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट थ्रू एनी पॉइंट पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितनी वेव्स क्रॉस करके जा रही हैं, राइट, इज नोन एज वेव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर यूनिट टाइम। आ रहा है समझ में, लिख पाओगे अपने से? तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर यूनिट टाइम, and time period, time taken by wave to cover distance equal to wavelength, right? So hence, as usual, wave velocity, जो यहाँ पर c से हम लोग denote करते हैं, wave velocity will denote by c is what lambda by t. वही बात में हमने देखा था 2π by t upon 2π by lambda. इसको omega, इसको k बोलते हैं, right? Now, as in case of transverse wave, these arrows represented what? In case of actual matter wave, not matter wave, mechanical wave, these arrows represented what? Bolo. In case of mechanical waves, ye arrows kya represent karte the? डायरेक्शन, अभी तो ये एरोस जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, मतलब ये शेप क्या रिप्रेजेंट करता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, नहीं? हाँ, In case of mechanical waves along transverse wave along string, transverse waves along string, bracket mein mechanical wave likh deta hu, mechanical wave represents displacement of particle, represents displacement of particle at any instant, whereas
whereas in case of in electromagnetic wave, it represents what? Does it represent displacement or sideways movement, upwards movement of any particle? No. It represents value of electric field and magnetic field at that point. As so whereas in electromagnetic wave, they represent one, the arrow. They represent value of electric and magnetic field at that point. Value of electric and magnetic field and magnetic field at that. Okay. Yeah. So in case of transverse wave, along string mechanical waves, represents displacement of particle at any instant, whereas in electromagnetic waves, they represent the value of electric and magnetic field, even direction. Also represents direction. ठीक है, ये हो गया टाइम। आई बच्चन में हाँ अब सवाल ये है। अच्छा ये कुछ बता दो, ये तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, तो साइडवेज मूवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल उठ के यहाँ पे गया। दीज एरोज डू नॉट रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल्स आर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड एट दोस पॉइंट्स, राइट। ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है इन पॉइंट्स। ओके ना, नेक्स्ट इज दीज आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are oscillating electric and magnetic fields. तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये फील्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं, ग्लास में भी चल सकते हैं, किसी भी मटेरियल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हेंस can travel in vacuum as well as medium. I was in me. Okay. तो ये कुछ properties कह लो आप electromagnetic wave की। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोले ताकि धीरे धीरे आपके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पिक्चर बनने लग जाए, राइट। तो वे आपके दिमाग में एक पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्रिएट हो गए, राइट ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं इसका, या क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे एनर्जी किस रेट से ट्रांसपोर्ट होगी, या सी का वैल्यू क्या होगा, जो अभी हमने सी बोल दिया ना, सी इज व्हाट हमने बोला भी था, ई एम बाई बी एम ये सब कहाँ से आया, या सी इज वर्ड वन बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही बात मैं कैलकुलेट करके 3 × 10⁸ वो सारी चीजें, इंटेंसिटी क्या होता है, राइट, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारी चीजें भी आपको समझनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वांटिटेटिवली, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वांटिटेटिवली, obviously this topic मतलब इसका जो theory part, जो explanation या derivation part है, वो exams में नहीं आता है, right? But numerical सब आते हैं, ठीक है? So electromagnetic wave quantitatively. So as I said, electromagnetic wave में होता क्या है? There is an oscillating electric field which induces magnetic field, right? And there is oscillating magnetic field which induces electric field, right? And hence they propagate. These variations propagate simultaneously in medium, in a direction, right? That is what we say is electromagnetic wave. So let's begin with induced electric field. Induced electric field, dekhte hain hum log kitna banega.
induced electric field. So same wave leta main, which is propagating along x-axis, right? And electric field is along y-axis and magnetic field is along z-axis. Magnetic field kabhi idhar, matlab is direction mein, kabhi us side, kabhi side, kabhi us side, kabhi side, right? So magnetic field is along z-axis. ठीक है, इधर B है, इधर मैग्नेट, समझा? So, एक पॉइंट ले लो आप x डिस्टेंस पे, नहीं यहां पे पॉइंट लिया मैंने, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक्चुअली ये रेक्टेंगल मत समझना, रेक्टेंगुलर लूप है। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का इसकी हाइट h ले लो और इसकी हाइट एज्यूम कर लेता हूं मैं h, ठीक है, समझा कुछ? I have taken a point at a distance of x, right? I have constructed a rectangular loop around it of width dx and height h. आया समझ में कुछ? हेलो, हाँ सर, क्या किया आपको समझ में आ गया? नहीं तो अभी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इस पॉइंट में कभी इधर होगा, फिर मैग्नीट्यूड कम होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, फिर इधर होगा, राइट? तो एट सम इंस्टेंट सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट? से एट सम इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट? पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड डिक्रीजिंग। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है एंड डिक्रीज हो रहा है, नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी कॉन्स्टेंट नहीं है, नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एट एनी इंस्टेंट नॉर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट, राइट? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बदलते जाते हैं। तो इस पॉइंट पे अज्यूम कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है एंड डिक्रीज हो रहा है, राइट? हेलो, हाँ सर, समझा? बोलो, बोला था सर। अच्छा, हाँ, अच्छा, आवाज ही नहीं आई, फिर कॉल भी आ गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कम होता जा रहा है, तो ये लूप है, ये लूप के अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा? अगर ये कॉपर वायर होती और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ होता और डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होता? हाँ, बिल्कुल होता, राइट? तो होगा क्या, अगर यहां पे कॉपर वायर होता ऐसा तो इस पे करंट फ्लो होता, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक? नहीं होता तो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं, याद है? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिसको हमने डिटेक्ट भी किया था चार्ज पार्टिकल रख के, इसे रिपीट करें एक बार। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कॉपर वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, डिक्रीज हो इंक्रीज हो तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है। फिर हमने बोला था वायर नहीं है तो भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इंड्यूस होता था, उसका नाम था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच फॉर्म्स लूप, याद है? और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी हैड फैराडेज लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी एल अलोंग The loop is minus d phi b by dt. याद आया कुछ ऐसा? पढ़ा था? हाँ। So that's what I'm saying कि यहाँ पे एक electric field आएगा। तो in this situation, electric field कैसा आएगा? मतलब clockwise field आना चाहिए या anti-clockwise field आना चाहिए? In this situation, the field should be clockwise or anti-clockwise, कैसा आना चाहिए?
अभी ये आउटवर्ड फ्लक्स है और कम होता जा रहा है, तो नेचुरली आउटवर्ड फ्लक्स बनाने की कोशिश करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड आएगा, तो फील्ड ऐसा आएगा, बट फील्ड तो हर जगह है। तो हम ऐसा कुछ बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे ई है, तो यहाँ ई से थोड़ा सा ज्यादा हो, लेट अस से ई प्लस डी ई। इस एंड पे अगर ई है तो इस एंड पे ई प्लस डी ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है ना, ये पहले वाली सिचुएशन जैसा नहीं है। यहाँ पर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो भी हो यहाँ पे करंट तो ऐसा फ्लो होता ही था। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे ई है और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है, सो दैट नेट फील्ड आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे। मतलब अगर कंडक्टर होता तो उस पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता नजर आता। चलेगा? हाँ सर। वापस से बोल देता हूँ, एक मैंने पॉइंट लिया एक्स डिस्टेंस पे, वहां पे एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया, राइट, डीएक्स विड्थ का, एच हाइट का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंस्टेंट इज सपोज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, एंड इज डिक्रीजिंग इन मैग्नेट। तो ये अगर लूप है तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो रहा है, एंड एज पर लेंज लॉ दैट शुड गिव यू एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड तो हर जगह पे, और हर जगह पे फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे ई है।